शुभारंभ शुभारंभ भव्य शुभारंभ आपके शहर दमोह में। संपूर्ण वैवाहिक परिधान एक ही छत के नीचे। हमारा पता है स्टेशन रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में, घंटाघर दमोह। जिले के जबेरा थाना अंतर्गत एक गांव में हैवानियत का एक चेहरा सामने आया है, जहां पर एक मासूम का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुराचार किए जाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वही मासूम की आंखों से खून निकल रहा है। संभवतः मासूम की आंखों को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है। दमो पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल, एफएसएल टीम सहित अन्य अधिकारियों ने घटना स्थल की जानकारी लगने के बाद मौका स्थल का निरीक्षण किया, जहां ग्रामीणों से पूछताछ की तो वहीं मौका स्थल पर जाकर घटना की पूरी जानकारी ली गई। एफएसएल टीम के माध्यम से भी साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान ने बताया कि मासूम के साथ दुराचार हुआ है, साथ ही उसकी आंखों को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है, कुछ सुराग मिले हैं। शीघ्र ही आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक 6 वर्षीय बच्ची जो कल अपने कुछ दोस्तों के साथ, बच्चियों के साथ अपना खेल रही थी, उसके बाद किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा, आरोपी द्वारा उसको ले जाया गया और उसके साथ दुष्कृत किया गया। बच्ची की आंखों में भी गंभीर चोटें हैं और आज सुबह घटना की जानकारी जब प्राप्त हुई है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और अपराध पंजीबद्ध किया गया है। काफ़ी सस्पेक्ट से यहाँ पूछताछ की गई है। बच्ची को उसका इलाज के लिए तत्काल ले जाया गया था जबेरा में, जहाँ उसकी थोड़ी हालत गंभीर होने के कारण आँखों में उसके गंभीर चोट है और भी शरीर में चोटें हैं। उसे तत्काल रेफर करके जबलपुर अस्पताल भेजा गया है, जिला अस्पताल, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। हमारी पुलिस की एक पार्टी उनके साथ गई हुई है। यहाँ पर मैं स्वयं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एफएसएल की टीम, सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए हैं और लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। कई सस्पेक्ट से पूछताछ की गई है, इसमें कुछ हम लोगों को कुछ सुराग रसी भी प्राप्त हो रही है, उसको हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं और शीघ्र आरोपी की पता रसी करके गिरफ्तारी की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे दरिंदों को फांसी पर लटकाने का प्रावधान है तो उनको फांसी पर भी लटकाया जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को समाज में जीने का और रहने का कोई अधिकार नहीं है। एसपी साहब और सारे लोग सुबह से आए हुए हैं और बड़ी तत्परता से मामले की जांच कर रहे हैं, तो मैं उनको, पुलिस प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने जिस प्रकार की तत्परता दिखाई है वो कार्य सराहनीय है। और निश्चित रूप से एसपी साहब का कहना है कि शाम तक गुड न्यूज आ जाएगी और दरिंदे हैं वो पकड़े जाएंगे। प्यासी ज्वेलर्स एवं शोरूम, सभी प्रकार के सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। पता, टंडन बिल्डिंग, सराफा बाजार, दमोह। एक बार अवश्य पधारें।